गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट है हमारे पास ए, अगर उसके साथ रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ ए के साथ जुड़ गया, कंबाइन हो गया, तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ ए के साथ कंबाइन हुआ, तो हम क्या कहते हैं, ए इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ए क्या हुआ है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड। अगला है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन, उससे पहले मैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको बता दूँ। ऑक्सीडेशन में हम क्या बोलेंगे, इफ़ एन एलिमेंट गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन। इसके दो वेज होते हैं देखने के, या तो एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया या हाइड्रोजन निकल गया। तो क्या होता है, जुड़ने में मैं प्लस लगा रही हूँ, ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन निकल गया। अगर ऐसा होता है किसी एलिमेंट के साथ तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और जिस एलिमेंट के साथ होता है उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब रिडक्शन है, इसका उल्टा होता है, रिडक्शन इसका उल्टा होता है कि अगर एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अगर उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया या फिर उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन हमारा लूज हो रहा है और हाइड्रोजन हमारा गेन हो रहा है, तो दिस इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। डेफिनेशन में भी इसकी यही लिखना है, इफ़ एन एलिमेंट लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हों, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हैं, वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया तो वाटर बन गया और कॉपर बन गया। अब ये H2 है, H2 के साथ O जुड़ गया यहाँ, तो ऑक्सीजन जुड़ने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ क्या है, इससे कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो अगर ऑक्सीजन माइनस होता है वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको याद करनी है। ये था रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीनों आपने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है हमारे पास कोरोजन और रेंसिडिटी। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन को हिंदी में हम कहते हैं जंग लगना। कोई भी लोहा होता है उसको हम थोड़े सालों के बाद देखते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि उस पर जंग लग जाती है। तो पहले तो वो सिल्वर होता है, उसके बाद वो ब्राउन हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि लोहा एक मेटल है, लोहा इज़ आयरन, Fe, वो पड़ा रहा, हवा में क्या, एयर में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या है, वाटर पार्टिकल्स भी हैं, तो मतलब मॉइस्चर भी है थोड़ा बहुत, तो आयरन मतलब लोहे ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, अब जब ये बन गया, ये एलिमेंट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, रिएक्शन हो गया हमारे पास, अब ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। अब जब कोरोजन हो गया, मतलब जंग लगने को क्या कहते हैं, रस्टिंग, ये कोरोजन का ही एग्जांपल है। तो रस्टिंग कैसे हुई, रस्टिंग हुई किसी भी मेटल ने एयर में जो ऑक्सीजन और वाटर का मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट होके जो एलिमेंट बनाया है वो किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का। इसी अब लोहे ने मतलब आयरन ने ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके जो एलिमेंट बनाया है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसलिए जो लोहा है वो पड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग मतलब जंग लगना,
जंग कैसे लगता है, ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, रस्टिंग, विच इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अगला है टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैट्स। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, मैंने अभी आपको बताया। तो जब अनसेचुरेटेड फैट, मतलब खाने के अंदर जो हमारा फैट होता है, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम उन्हें एयर टाइट बॉक्स में ना रखें, अगर हम चिप्स को ऐसे ही बाहर रख दें, तो थोड़े दिन बाद वो सिल जाते हैं। वैसा क्यों होता है? जो चिप्स के अंदर फैट होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है, इसीलिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट और फ्लेवर और स्मेल भी चेंज हो जाती है, खाना पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, वो किस लिए होता है, उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? खाने के अंदर जो अनसेचुरेटेड फैट होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट और स्मेल फ्लेवर ख़राब हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अब आप पूछेंगे कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर तो ऑलरेडी हवा होती है, तो वो पैकेट के अंदर क्यों नहीं सिलते? जब हम पैकेट खोलते हैं तब तो वो फ्रेश होते हैं। तो जो पैकेट्स हम लेके आते हैं लेज वगैरह के, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि रेंसिडिटी से चिप्स को प्रिवेंट करती है, ताकि वो चिप्स ख़राब ना हो, क्योंकि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन से नहीं, इसलिए चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, इसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक इस रिएक्शन, इस चैप्टर का पहले रह गया था, वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन होने के पॉइंट्स क्या हैं, मतलब क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, कि रिएक्शन प्लेस होता है, तो क्या क्या हो सकता है। तो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन होने पे गैस निकल सकती है, जैसे एक्सोथर्मिक में मैंने पढ़ाया था कि एनर्जी रिलीज होती है, तो ये गैस निकली, केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस ठंडा हो वो रिएक्ट कर गया, उसके बाद वो गर्म हो सकता है, तो टेम्परेचर चेंज होने से भी हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड है प्रेसिपिटेट्स कैन फॉर्म, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं, ये क्या पहचान है किसकी, केमिकल रिएक्शन होने की। तीसरा पॉइंट। चौथा है चेंज इन कलर, किसी भी सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे इसमें सिल्वर से रेडिश ब्राउन हो गया, तो कलर चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। पाँचवा पॉइंट है चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब कोई सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड में है, वो रिएक्ट करके गैस बन गई या लिक्विड में चेंज हो गया, तो मैटर की स्टेट चेंज होगी, सॉलिड लिक्विड गैस, या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, तो स्टेट चेंज होना भी क्या है, पहचान है केमिकल रिएक्शन होने की। केमिकल रिएक्शन होने के पांच पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा टेम्परेचर चेंज, तीसरा पेरासिपिटेट बने, फोर्थ कलर चेंज हुआ, और चौथा स्टेट चेंज होना। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर भी कोई टॉपिक बचा तो मैं चेक कर लूँगी कि कोई टॉपिक रह ना जाए, तो आप ये अब तक रिवाइज़ कर लें।